आज अपने साथ कुछ पेशेंट है जिनका मणका, हिंदी बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या इंग्लिश बोलते हैं स्पाइन, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। इन सभी को तकलीफ क्या क्या थी, कमर से लेकर पीछे की नस दर्द होती थी, जिसको बोलते थे शाटिका बोलते हैं। इनको चलने में ये तकलीफ होती थी कि इधर चीटिया से लगता था और चलने में दर्द होता था। ऑपरेशन के बाद कुछ 30 मिनट में चलने लगे, कुछ 20 मिनट में चलने लगे, कुछ 1 घंटे के अंदर चलने लगे। सब अपने टाइमिंग के हिसाब से चलने लगे। जब चलने लगे तो ये पूरे ठीक हो चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसे पेशेंट है, उसमें मिक्स मैच है, एज का मिक्स मैच है। ये बच्चे का उम्र सिर्फ 19 साल है, इनका इसका भी बच्चे का बच्ची का उम्र सिर्फ 19 साल है। इसका भी ऑपरेशन हुआ है, इनका भी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। तो उम्र 31 साल है और इनका भाई का उम्र 33 साल है और काका का उम्र सबसे ज्यादा है 63, 63। तो यहाँ पर अलग अलग उम्र के लोग बैठे हुए हैं और सभी ऑपरेशन करके पूरे ठीक हो चुके हैं। और सभी का बोलना है कि ऑपरेशन के बाद पहले दिन ही 5-6 किलोमीटर बिना तकलीफ के, बिना किसी सपोर्ट के यानी किसी आधार के, वो तो चलने को लगे। और चलने के बाद उन्होंने देखा कि वो पूरे ठीक हो चुके हैं। अभी 4-4 5-5 दिनों में ये पेशेंट अभी डिस्चार्ज आ रहे हैं। ये 30-30 किलोमीटर, 35-35 किलोमीटर खुद से चल रहे हैं। इनको परमिशन दे दिया आप जिन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं, रोड पे आके घूम सकते हैं, और वो तकलीफ से पूरे मुक्त हो चुके हैं और पूरा ठीक हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या? बहुत अच्छा लगता है सर। पूरा ठीक हो गया क्या, अच्छा लगता है क्या? ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। स्पाइन का तकलीफ पूरा ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और ऐसे हमेशा यहाँ पर इस पेशेंट हमारे बैठे हुए इंटरव्यू देते हैं। इस जगह पे हर बार अलग पेशेंट होते हैं, चले जाते हैं, पहले दोबारा नहीं आते हैं, ऑपरेशन करके वो भी ठीक हो जाते हैं। तो उनका अनुभव हम देते हैं लोगों को कि हाँ स्पाइन का ऑपरेशन अच्छे हो सकते हैं। जो लोगों को गलत फहमी है वो कम करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है और कोई पैरालिसिस तक ना पहुंचे उसके पहले ही निर्णय ले पाए ऑपरेशन का, अगर जरूरत हो तो ऑपरेशन, और पैरालिस तक ना पहुंचे। क्योंकि पैरालिस होने के बाद जब पैर बंद हो चुके होते हैं, नस टूट चुकी होती है, तो नस को जुड़ना इम्पॉसिबल है। नस जुड़ती नहीं है किसी भी तरीके से। आप नस को ऊपर दाब कम कर सकते हैं, प्रेशर कम कर सकते हैं, लेकिन नस को दोबारा जुड़ नहीं सकते। जितने भी लोग बैठे हैं सब नसीबवान है, ऑब्वियसली दूर दूर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की वजह से हम नियम नियम के दूर दूर बैठे हैं, नहीं तो नॉर्मल पास पास बैठाते हैं हम लोग, बहुत सारे पेशेंट बैठाते हैं। तो आप सब खुश हैं? आप लोग चल के दिखाएंगे क्या एक सब? चलिए आइए, मैं बीच में रहता हूँ, चारों तरफ चलिए, फिर मैं थोड़ा गप्पा मारता हूँ। अगर ये सब चल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि किसी को पैरालिसिस नहीं हुआ है और इनको कोई भी तकलीफ नहीं है। आप सब लोग अच्छे हैं क्या? बहुत अच्छे। किसी को तकलीफ है चलने में? बिल्कुल नहीं। ये मेरे को बताना है, सिर्फ मैसेज यही है कि ऑपरेशन स्पाइन का बहुत सिंपल होता है, छोटा होता है। जो पूरे भारत में या विश्व में मालूमत है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, ये उस बात को झुठला रहे या उस बात को गलत साबित कर रहे हैं कि स्पाइन का ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकता। ये पक्का ठीक हो सकता है, ये सभी लोग हमारे दिखा रहे हैं। ओके, थैंक यू।